नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे टेक्निकल चैनल प्रो स्टार राम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपने सुना ही होगा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों आपको अभी तक पता नहीं हो तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों भारत सरकार द्वारा यह स्कीम चालू की गई है। इसमें आपको दोस्तों अपनी जो कन्या जो 10 वर्ष की जो बालिका होती है उसके लिए आप इस सुकन्या योजना में अपना जो खाता है वो ओपन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये आपका खाता 250 रुपये से ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों 250 से 1.5 रुपये तक के अंदर आपका जो खाता है ये ओपन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप जितना डालना चाहते हो उसमें डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सबसे बड़ी बात इस खाते में ये है कि दोस्तों आपकी बच्ची के लिए भविष्य की आपकी जो मतलब आप उसकी इच्छा पूर्ति मतलब जो भविष्य में जो पूर्ति है उसकी जो जैसे कि शादी है पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाने के लिए आपको बहुत ही सुविधा मिलती है। दोस्तों इसमें आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से जो भी आपको जो ब्याज मिलता है उसकी दर अधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको ज़्यादा दर से आपके जो पैसे डालते हो मतलब आप अपने बैंक अकाउंट में जितने पैसे डालते हो उसका ब्याज ज़्यादा मिलता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सबसे बड़ी बात इस योजना में ही है कि दोस्तों इसमें आप कितने भी पैसे डालो इस योजना में आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। आपका जो जो भी पेमेंट है वो सेफ रहता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसमें आपको डायरेक्टली अधिक मात्रा में ब्याज मिलता है। 2019 में इसका ब्याज दर 8.5% थी। ठीक है दोस्तों, और अभी अभी भी लगभग लगभग 8.5% ही है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप भी अपनी बालिका का अगर रजिस्ट्रेशन सुकन्या समृद्धि योजना में कराना चाहते हो तो दोस्तों आपको जल्दी से सुकन्या समृद्धि योजना में अपने बच्ची का अप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना है तो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी इस योजना में अप्लाई करना है जिससे कि आप अपनी बच्ची को अपनी बेटी को किसी भी भविष्य में आने वाली किसी भी चीज के लिए शादी इस पढ़ाई के लिए आप पैसे कलेक्ट कर सकते हो या एकत्रित कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सिखाएंगे इस योजना में आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा और आपको कहाँ पे फिलअप करना है और कहाँ पे पहुँचाना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद एक फॉर्म बैंक वाले देंगे उसको आपको फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, फिलअप करना मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको सब मोबाइल की स्क्रीन पर समझाऊंगा, मोबाइल की स्क्रीन पे एंड तक देखना। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट में इसको जमा करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन को और आपको फॉर्म मैं ओपन करके बताता हूँ। इस टाइप का फॉर्म आएगा और इस टाइप आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपके सामने एक पेज ओपन हो गया है। दोस्तों आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग एंड अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टू द पोस्ट मास्टर एंड मैनेजर, आपका जो पोस्ट मास्टर हो मतलब आपका जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर हो या बैंक अकाउंट का मैनेजर उसका एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जहाँ से आप फॉर्म लोगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको सर आई नेम ऑफ पेरेंट गार्डन मतलब आपको जो भी आपका पेरेंट्स मतलब जो आपकी बच्ची का पेरेंट्स मतलब जो आपकी बच्ची है उसका जो पेरेंट्स उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है हियर बाय अप्लाई फॉर ओपनिंग एंड अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डॉट 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 दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको इसको छोड़ना है मतलब इसको एम्प्टी कर रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन द नेम ऑफ कुमारी आपको अपनी बच्ची का नाम यहाँ पे सेकंड नंबर पे टाइप करना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उसके बाद ऑफ होम आई एम द गार्डियन एंड टेंडर हर विथ RS मतलब आपको कितने पैसे से अकाउंट ओपन करना है आपको यहाँ पे लिखना है, ये दिखाई दे रहा है RS। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले RS यहाँ पे आपको अपने जो भी पैसे है वो यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको सबसे पहले अपने जो पैसे है उसको वर्डों में लिखना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे वापस RS दिखाई दे रहा है, इसको भी यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उसके बाद आप इस पेमेंट को कैसे पे करना चाहते हो वो यहाँ से पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप कैश चेक DD
डीडी नंबर जो भी आप यहाँ से पे करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद आपको डेट दिखा दे रही है, डेट फिलअप करना है। उसके बाद इनिटियल सब्सक्रिप्शन आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट होल्डर मतलब आपकी जो गर्ल है उसका नाम लिखना है, मतलब आपकी लड़के का नाम लिखना है। उसके बाद डॉटर ऑफ फादर एंड मदर नेम, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको सबसे पहले अपना पेरेंट्स का नाम लिखना है, मतलब मम्मी का हो या पापा का, जिसका भी नाम लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे आपको पिताजी का नाम लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है फोर्थ नंबर, डिटेल्स ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ए सर्टिफिकेट नंबर, आपको जो बर्थडे सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे इंटर करना है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद बी डेट ऑफ इशू मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ कब इशू हुआ था वो इंटर डेट इंटर करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है दोस्तों, कहाँ से आपका जो बर्थडे सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद दिखाई दे रहा है नेम ऑफ पेरेंट्स गार्डन, ठीक है दोस्तों। आपको नेम अपने पेरेंट्स मतलब जिस बच्ची का पेरेंट्स है उसका नाम वापस यहाँ पे लिखना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद आईडी डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स गार्डियन मतलब आपकी जो पेरेंट्स की उसकी आईडी यहाँ पे इंटर करना है। दोस्तों आपके पास दिखाई दे रहा है आपको वापस दिखाई दे रहा है सर्टिफिकेट नंबर, जो आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जब इशू हुआ था वो इंटर करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी जो भी है आपको यहाँ से इंटर करना है, ठीक है दोस्तों। कौन सा भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हो आप, आपको जो भी आधार कार्ड है वो आधार कार्ड लगा देना, जो भी आप यहाँ से लगाना चाहते हो वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लगा सकते हो। सर्टिफिकेट नंबर में जो आधार कार्ड नंबर है वो इंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ जिस दिन इशू हुआ था वो जो भी है आपको इंटर करना है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सात सेवन नंबर दिखाई दे रहा है एड्रेस, एड्रेस जो प्रेजेंट एड्रेस जहाँ रहते हो प्रेजेंट में वहाँ का एड्रेस। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस देना है नीचे। उसके बाद एट नंबर दिखा दे रहा है डिटेल्स ऑफ अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट अटैच, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे केवाईसी के लिए, आप आधार कार्ड अटैच कर सकते हो, पैन कार्ड, ठीक है दोस्तों, राशन कार्ड, जो भी आप अटैच करना चाहते हो यहाँ पर लिख देना और अटैच कर लेना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आई हेयर बाय अंडरटेक टू एबिड बाय द प्रिजन रूल्स ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट एंड, जो भी आपको ये लाइन दिखाई दे रही है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में आपको नेम दिखाई दे रही है अपनी गर्ल का नाम यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको यहाँ पे आप सिग्नेचर ऑफ थंब इंप्रेशन ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियन जो भी आपको पेरेंट्स का उसका साइन करवाना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आपको नीचे कुछ नहीं करना है फॉर यूज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो गया है, आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक अकाउंट में बैंक में जमा करवाना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जमा कराने के बाद आपकी जो बेटी है उसका फॉर्म मतलब जो सुकन्या समृद्धि योजना में जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके बताएं, और दोस्तों आप जल्दी से जल्दी अपने बेटे का सुकन्या समृद्धि योजना में फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों तो हम चलते हैं सभी, दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों बहुत ही कमाल की वीडियो है, मैं अधिकतर वीडियो इसी टाइप के लाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं सभी।